हेलो दोस्तों, जब भी कभी न्यायाधीश या जज फांसी की सज़ा सुनाता है तो अपने पेन की निब को तोड़ देता है। फांसी की सज़ा कानून में सबसे बड़ी सज़ा है और यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जाती है, क्योंकि इस सज़ा की वजह से व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है और साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि फिर से कोई भी देश में किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध ना करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन का निब क्यों तोड़ देता है। यदि हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों द्वारा शासन हुआ करता था, जिन्होंने हमारे देश में अपने कानून और व्यवस्था को लागू किया था। जिस तरह से उन्होंने काम किया और उनकी व्यवस्था का प्रबंधन किया, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपने वर्तमान संवैधानिक कार्यों में उनकी कुछ पुरानी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, जिनमें से एक जज के पेन तोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है। यह एक सिंबॉलिक कार्य को दर्शाती है। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो मृत्युदंड किसी भी मुकदमे के समझौते का अंतिम एक्शन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्युदंड की सजा ज़्यादा संगीन कार्यों के लिए दी जाती है और तब दी जाती है जब कोई अन्य विकल्प ना बचा हो। इसलिए भी जब इस सजा की वजह से किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को छीन लिया जाता है तो जज पेन की निम को तोड़ देता है ताकि दोबारा इसे इस्तेमाल न किया जा सके। सजाए मौत एक दुख की बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी सजा देना जरूरी भी हो जाता है और इस सजा को सुनाने के बाद जज पेन की निम को तोड़कर दुख व्यक्त करता है ताकि किसी भी प्रकार का दोष मन में न रहे। क्या आपको पता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में इस तरह के नियम का कोई जिक्र नहीं है, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेन की निब तोड़ने की प्रक्रिया एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के एकमात्र विश्वास का ही हो सकती है, ना कि किसी कानून में दी गई प्रक्रिया का। अतः इस वीडियो को देखने से ये पता चलता है कि जज मृत्युदंड देने के बाद पेन की निब क्यों तोड़ देता है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में इस तरह की प्रक्रिया का कोई उल्लेख भी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।